राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए कार्यक्रम 1 और 1 11। दोस्तों, एक जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था। घोंसला यानी बसा। उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया उन अंडों की बहुत देखभाल करती थी। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। उसे अपनी शक्ति का बहुत अहंकार था। वो सब जानवरों को बहुत तंग करता था। कभी किसी खरगोश को सूंड से पकड़कर फेंक देता तो कभी किसी हिरण को पैर के नीचे दबा देता। कभी सूंड में पानी भरकर जानवरों पर जोर से पानी छोड़ देता तो कभी किसी धूल के ढेर पर जोर से फूंक मारकर आसपास के जानवरों की आंखों में धूल डाल देता। जंगल के सब छोटे बड़े जानवर उससे परेशान थे। सब उसे देखकर इधर उधर छिप जाते थे। एक दिन वो हाथी झूमता गाता आ रहा था। मैं जंगल का दादा हूँ, मैं जंगल का दादा हूँ, मैं जंगल का दादा हूँ, सारा जंगल मेरा जंगल, मैं जंगल का दादा हूँ, मैं जंगल का दादा हूँ, सारा जंगल मेरा जंगल, मैं जंगल का दादा हूँ। जब हाथी आया तो उसने देखा बरगद के पेड़ पर छोटी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। बस फिर क्या था, उसे शरारत सूझी। वो जोर जोर से उस पेड़ से अपना शरीर रगड़ने लगा। हाथी दादा, हाथी दादा, इस पेड़ से अपना शरीर मत रगड़ो। तुम्हारे शरीर रगड़ने से पेड़ हिलता है। पेड़ हिलेगा तो मेरा घोंसला गिर जाएगा, मेरे अंडे टूट जाएंगे। हाथी दादा मान जाओ, इस पेड़ से अपना शरीर मत रगड़ो। हाथी दादा, घोंसला गिर जाएगा तो गिर जाने दो, मैं क्या करूं, मैं तो शरीर रगड़ूंगा। हाथी दादा,
तुम किसी दूसरे पेड़ से भी तो अपना शरीर रगड़ सकते हो। इस पेड़ को छोड़ दो, नहीं तो मेरे अंडे टूट जाएंगे हाथी दादा। नहीं, मैं इसी पेड़ से शरीर रगड़ूंगा। तुम अपना घोंसला दूसरे पेड़ पर ले जाओ। हाथी दादा, अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। अभी इस घोंसले को कैसे उठाऊंगी? घोंसला गिर गया तो मेरे अंडे टूट जाएंगे। अंडे टूटते हैं तो टूटने दो, मैं तो शरीर रगड़ूंगा। हाथी दादा, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। ये पेड़ मत हिलाओ। हाथी दादा, हाथी दादा। अहंकारी हाथी नहीं माना। उसने पेड़ की शाखा तोड़ दी। चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया। सारे अंडे टूट गए। चिड़िया रोने लगी। घमंडी हाथी मजे से झूमता हुआ वहां से चला गया। तभी एक कठफोड़वा वहां आया। कठफोड़वा चिड़िया का मित्र था। चिड़िया को रोता देख वो बोला, चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? हाथी दादा आया था, पेड़ को खूब हिलाया था, टूटी शाखा, गिरा घोंसला, टूट गए अंडे, सब मेरे टूट गए अंडे, सब मेरे। अच्छा बहन, रो मत, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा। मेरी चोंच बहुत तीखी है, मैं पेड़ को फोड़कर तुम्हारे लिए अच्छा सा घोंसला बना दूंगा। नहीं कठफोड़वे भैया, घोंसला तो मैं खुद ही बना लूंगी, लेकिन हाथी ने फिर तोड़ दिया तो। हाँ, ये बात तो है, हमें इस अहंकारी हाथी को ही दंड देना चाहिए। वो सभी जानवरों को ऐसे ही तंग करता है। लेकिन हाथी तो बहुत शक्तिशाली है। तो क्या हुआ, हम मिलकर उसको दंड दे सकते हैं। मेरी एक मित्र है मधुमक्खी, मैं उसके पास जाऊंगा। मधुमक्खी, वो क्या करेगी? वो बहुत अच्छा गाती है, वो हमारी सहायता करेगी। अच्छा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, चलो, मधुमक्खी कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल देगी, आओ चलते हैं। अच्छा, चलो। दोनों उड़ते हुए फूलों के एक बाग में पहुंचे। मधुमक्खी एक फूल पर बैठी थी। चिड़िया और कठफोड़वा दोनों मधुमक्खी के पास गए तो मधुमक्खी बोली, अरे आओ कठफोड़वे भैया, बहुत दिनों के बाद आए हो, तुम्हारे साथ ये कौन है? मधुमक्खी बहन, ये मेरी मित्र चिड़िया है। लेकिन चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? हाथी दादा आया था, पेड़ को खूब हिलाया था, टूटी शाखा, गिरा घोंसला, टूट गए अंडे, सब मेरे टूट गए अंडे, सब मेरे। मधुमक्खी बहन, हम उस हाथी को दंड देना चाहते हैं। हाँ हाँ, ऐसे घमंडी हाथी को तो अवश्य दंड मिलना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ।
पास के पोखर में मेरा एक मित्र मेंढक रहता है। हम सब मिलकर उसके पास चलते हैं, वो भी हमारी मदद करेगा। तीनों उड़ते हुए पोखर के पास पहुंचे। मेंढक पोखर के किनारे बैठा था। ओ आ, ओ आ। मेंढक भाई, मेंढक भाई, हमें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। हाँ हाँ मधुमक्खी बहन, कहो क्या बात है? मेंढक भाई, ये है कठफोड़वा और ये है चिड़िया। लेकिन चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो? मेंढक भाई, हाथी दादा आया था, पेड़ को खूब हिलाया था, टूटी शाखा, गिरा घोंसला, टूट गए अंडे, सब मेरे टूट गए अंडे, सब मेरे। ऐसे अहंकारी हाथी को तो अवश्य ही दंड देना चाहिए। लेकिन हम छोटे छोटे भला क्या कर सकते हैं? हाथी तो बहुत शक्तिशाली है। शक्तिशाली है तो क्या हुआ? अरे हम सब मिलकर उसे दंड दे सकते हैं। ठहरो, मुझे सोचने दो। हाँ, उस हाथी को दंड देने का उपाय मैंने सोच लिया है। सच? हाँ हाँ, बताओ हम हाथी को कैसे दंड दे सकते हैं? तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मधुमक्खी हाथी के पास जाएगी। वो बहुत अच्छा गाती है। क्यों मधुमक्खी बहन? जब हाथी खुश होकर झूमने लगेगा तो आंखें बंद कर लेगा। कठफोड़वा उसके पास जाकर उसकी आंखें फोड़ देगा। हाँ हाँ, मेरी चोंच बहुत तीखी है। ओफो, सुनो तो सही। जब हाथी अंधा हो जाएगा तो वो पानी के लिए इधर उधर दौड़ेगा। उस समय मैं एक बड़े गड्ढे के पास बैठकर टर टर करूंगा। हाथी मेरी आवाज सुनकर वहां आएगा। वो समझेगा पानी यहीं कहीं पास में है। वो पोखर समझकर वहां आएगा और बस गड्ढे में गिर जाएगा। सच? फिर तो अहंकारी हाथी उस गड्ढे से बाहर निकल ही नहीं सकेगा। और क्या, ऐसे दुष्ट हाथी को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। चिड़िया बहन, बस अब रोना मत। हम सब मिलकर अहंकारी हाथी को दंड देंगे। अच्छा मित्रों, अब सब तैयार हो जाओ, मैं उस अहंकारी हाथी को ढूंढने जा रही हूँ। हम भी चलते हैं। चारों मित्र चल दिए। कुछ ही दूर उन्हें हाथी दिखाई दिया। चिड़िया फुर्र उड़ी और एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। मेंढक एक बड़े से गड्ढे के किनारे बैठ गया। कठफोड़वा भी वहीं कहीं छिप गया। मैं मधुमक्खी प्यारी, मैं मधुमक्खी न्यारी, मैं मधुमक्खी प्यारी, मैं मधुमक्खी न्यारी, फूल फूल पर जाकर रस इकट्ठा करती, फूल फूल पर जाकर। मधुमक्खी का गाना सुनकर हाथी खुश हो गया। दोनों आंखें बंद करके
झूमने लगा। बस फिर क्या था, कठफोड़वे ने मौका देखकर हाथी की आंखों में चोंच मारती खड़ाक। हाथी अंधा हो गया। तभी मेंढक ने भी टर टर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी पानी 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 करता आवाज की दिशा में दौड़ा। और ये क्या, हाथी तो गड्ढे में फंस गया था। तो दोस्तों, इस तरह दुष्ट हाथी को दंड देकर चारों मित्र बहुत खुश हुए। और चारों मित्र ही क्यों, जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हुए, क्योंकि दुष्ट हाथी को अपनी गलती का दंड मिल चुका था। एक और एक ग्यारह। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। आलेख शशि भूषण शलभ, कलाकार दीनानाथ सोमनाथ नागर, सुचित्रा गुप्ता, कुक्कू माथुर, पवन कौशिक और सुषमा कौशिक, संगीत काजल घोष, ध्वनियांकन मैत्रेय द्विवेदी, निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम।